तो सही थी ट्रेन 1:30 की रफ्तार में चल रही है, रेवाड़ी निकलते ही 1:30 ट्रेन ने छू लिया। स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट आ चुका है, तो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे कटलेट है, बाकी जूस बटर ब्रेड और यहाँ पे सॉस भी आपको मिल जाता है। तो ये आप चेयर कार में कुछ यही मेन्यू देखें। वैसे हमारे जयपुर तक के सफ़र की शुरुआत हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बिल्कुल सुबह सुबह की थी। उम्मीद तो हमारी बहुत ज़्यादा इस यात्रा से, क्योंकि हम 130 की रफ़्तार को आज एक्सपीरियंस करने वाले हैं दिल्ली जयपुर लाइन पे, जो कि एक ज़माने पे मीटर गेज ट्रेन्स का हुआ करता था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सुंदरता अगर आपको देखनी है तो सुबह सुबह आपको यहाँ ज़रूर ही पहुँच जाना चाहिए। यहाँ पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनें देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ सुंदर से नज़ारे आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए यात्रा को शुरू किया जाए, चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म में और अजमेर शताब्दी को आज बोर्ड किया जाए। दोस्तों स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस में, खास वजह की वजह से। लेकिन उससे पहले वंदे भारत का आगमन, उसका प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर हम लोग प्लेटफॉर्म 10 और 11 में खड़े हैं, क्योंकि अजमेर शताब्दी सुबह 6:10 पर अजमेर के लिए यहीं से रवाना होती है। इस ट्रेन में सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये गाड़ी दिल्ली को जयपुर से एक बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। अभी हम लोग यहाँ चलेंगे और 10:45 AM तक हम लोग जयपुर पहुँच जाएंगे और ये दोपहर में 12:55 तक जाके अजमेर पहुँचती है। बाकी आप लोगों को बता दूँ, सुबह की शुरुआत बहुत खूबसूरत हुई, मैंने सोचा इसलिए आपको ये भी दिखा दूँ। बाकी जब ट्रेन आएगी तब आपसे मुलाकात करता हूँ रूट की बात। और स्पेशल चीज़ पता है क्या है, 130 km/h इस रूट पे कभी उम्मीद की थी जयपुर वाले पे, जहाँ एक ज़माने में मीटर गेज की ट्रेनें चलती थी, तो भाई ये रूट भी 130 km/h की रफ्तार वाला हो चुका है। तो आज उसी को एक्सपीरियंस करेंगे और शताब्दी का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोग से ज़रूर शेयर करेंगे। हाँ, संपर्क क्रांति आज की है, काफ़ी पैक ट्रेन है, देखना गाड़ी रुकने दीजिए, फिर इस फोटो और ब्रिज का हाल आपको दिखाऊँगा। आप लोग इस फुट ओवर ब्रिज को जिसकी मैं बात कर रहा था, धीरे धीरे करके जब गाड़ी खाली होगी ना तो ये और पैक होने वाला है। ऊपर टीटीओ का जो ग्रुप है वो भी लगा हुआ है टिकट चेकिंग के लिए। एक ज़माने में एल्को और डीजल लोकोमोटिव के साथ चलने वाली शताब्दी को आज एल्को लोकोमोटिव शंटिंग कर रहा है। आज की यहाँ पे अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस चमचमाती हुई, ऐसा लग रहा है जैसे बस एकदम खुल के से लाए गए यहाँ पे। इतनी आज की है 5:45 पे ट्रेन को लगा दिया गया। स्टेशन देखो सुबह सुबह से काफ़ी एक्टिव है, यहाँ पे आपको खाने पीने से लगे सभी चीज़ों की सुविधा मिल जाएंगी। ये रहा अपना कोच C7 और फॉरेन टूरिस्ट आप यहीं से देख लीजिए। क्यों मैं कह रहा था कि यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट बहुत सारे हैं इस ट्रेन को बोर्ड करते हैं, वो यही रीज़न है उसके पीछे। भाई फॉरेन टूरिस्ट जयपुर घूमने जाते ही हैं, इतना सुंदर अपना राजस्थान, तो सब इसी ट्रेन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि 4.5 घंटे में लगभग आपको पहुंचा देती है जयपुर। इंटीरियर वगैरह कुछ ऐसा है शताब्दी का, और ये वाले जो कोचेज है ना वंदे भारत के सीट से थोड़ा कंफर्टेबल लगते हैं, उसकी जो सीट से मतलब लंबी तो बनाई गई है पर कम्फर्ट लेवल थोड़ा सा इससे कम है। इंटीरियर आप एक बार देख लो, अपनी आगे वाली सीट है,
तो चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी एक मिल जाएगा और विंडो भी ठीक ठाक है, मतलब साफ़ सुथरे तो कुछ खास है नहीं, इसमें भी काम चलेगा 4.5 घंटे की जर्नी, बाकी तो आपको बाहर से ही दिखाना है सर, तो वो इन्जॉय करेंगे। टाइम तो हो चुका है ट्रेन के डिपार्चर का, देखते हैं डिपार्चर होगा कब। अनाउंसमेंट यहाँ पे हुई और डिपार्चर हॉन्क भी मिल चुका है, सिग्नल मिला था और गाड़ी यहाँ पे खुल चुकी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपनी अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस। अच्छा कभी अगर आप लोग ऐसा अनाउंसमेंट सुनो तो समझ जाना एसीपी मतलब होता है एक्सीडेंटल चेन पुलिंग, तो यहाँ पे शताब्दी में चेन पुलिंग हुई है डिपार्चर होते ही। मैंने लोगों को चढ़ते हुए भी देखा, पर वही बात है कि गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, भीड़ है, लेकिन उसके बाद भी जब शताब्दी का ये हाल है तो नॉर्मल ट्रेन का क्या हाल होता होगा, जिसका जब मन अगर ऐसी चेन खींचते रहे तो ट्रेन में कितना डीले देखने को मिलेगा इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए। क्योंकि एक गलती और यहाँ 5 मिनट का डीले शताब्दी में नई दिल्ली से डिपार्चर पे ही हो गया। अच्छा वैसे एक और चीज बता दूं, अजमेर शताब्दी में हाई राइज पेंटोग्राफ वाला लोकोमोटिव, ये रीजन भी मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा एग्जांपल के साथ, ऐसे शायद है कि समझ में भी ना आए। ट्रेन खुली चुकी है तो उसके फेयर के बारे में बता दूं कि 920 रुपीज़ मेरे को पड़ा है इंक्लूडिंग केटरिंग चार्ज दिल्ली से जयपुर तक का, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट पानी की बोतल ये सब चीज़ें सर्व की जाती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में कर रहे हो तो 1400 आपको पे करना पड़ेगा, और उसमें एक दिन पहले तक 500 सीट खाली थी, रात होते होते इसमें 118 सीट बची थी, और जब मैंने सुबह चेक किया तो गाड़ी में करंट में 30 सीट निकली थी। तो रिस्क मत लेना क्योंकि इसमें सब लोग लास्ट मोमेंट डिसाइड करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रैवल करते हैं, मोस्टली जयपुर तक की सवारी होती है, तो आप लोग प्लान कर रहे हो तो एडवांस में भाई इसमें टिकट करा लेना अगर आपको साथ में सीट चाहिए तो। बाकी 1400 जो फेयर बताया एग्जीक्यूटिव क्लास का, उसमें जो सर्विसेज हैं वो थोड़ी सी इम्प्रूवड हैं, आपको ब्रेकफास्ट में आपको कॉर्नफ्लेक्स मिल्क वगैरह मिल जाता है, फ्रूट मिल जाता है साथ में, बाकी जो ब्रेकफास्ट रहेगा वो वैरायटी सेम रहेगी। मेन्यू में थोड़ा और बदलाव होते हैं, यहाँ पे आपको कटलेट या पोहा मिलेगा, वहाँ आप दोनों चीज़ ले सकते हो। सेकंड चीज़ ये है वहाँ पे जो सीट है वो 2x2 के अरेंजमेंट में है और थोड़ा स्पेशियस है, और यहाँ पे 2+3 के अरेंजमेंट में ये चीज़ें, पर मतलब चार घंटे के लिए मुझे लगता है कि उसकी ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी। सेम चीज़ मैंने भी सोचा कि साढ़े चार घंटे की यात्रा है, एक स्पेशल जर्नी करने के लिए मैं जयपुर से आगे निकल रहा हूँ, मेड़ाता निकल रहा हूँ, तो वो थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने सोचा नहीं पहले इससे चलते हैं। आगे मैंने मुरधर में टिकट कराया, मैं उससे निकलूंगा, बट इस ट्रेन का रिव्यू करना था क्योंकि मोस्टली जो फॉरेन टूरिस्ट हैं इस ट्रेन को प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए इसका रिव्यू बनता है। चेतक एक्सप्रेस WP5 के साथ अभी हम लोग दिल्ली सरार रोहिल्ला स्किप कर रहे हैं। शताब्दी पहले हॉल्ट पे आ चुके अपने यानी दिल्ली कैंट पे, और आपको मैं बता दूं यहाँ पे 2 ही मिनट रुकेगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, थोड़ा डिले हुआ यहाँ पे, आप समझ रहे हो क्यों। बाकी टीडी सर बता रहे थे कि ट्रेन के अंदर घुस के यात्रियों से चाकू दिखा करके 5 लोग का फ़ोन लेके गए हैं 10 दिन पहले, और सूट पे चोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो गुड़गांव तक तो बिल्कुल ही आपको सतर्क रहना है, दरवाजे वगैरह में रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए मत ही आइए। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेन बोर्ड किए हैं अभी, और ट्रेन ने डिपार्चर सिग्नल भी ट्रेन को मिल गया है, हॉन्क भी ट्रेन ने दे दिया। हमारी दिल्ली कैंट से खुल चुकी है पर हम भी टीटी सर की बात मानते हुए अंदर चलते हैं, जब यहाँ पे ऐसा सब हो रहा है क्यों बिना बात कर सकते हैं, दिल्ली कैंट तो आपको दिखा दिया, अंदर चलते हैं। साबरमती नई दिल्ली अहमदाबाद स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस आ गई है, जो कि अहमदाबाद से पहले चलती थी, अभी इसे साबरमती कर दिया गया कुछ दिनों के लिए। आश्रम एक्सप्रेस भी साबरमती शिफ्ट हो चुकी है, कोच काफी चमचमा रहा है।
वही है कि इस एरिया में आपको सतर्क रहना है। चलिए यहाँ भी ख़त्म करते हैं मामला और डोर सेफ्टी डन। टेंट से निकलते ही हम लोग 110 की रफ्तार में आ चुके हैं और यहाँ पे अपनी जो चाय है मॉर्निंग टी वो दी गई है, जिसमें ये देख लो असम गोल्ड की प्रीमियम टी प्लस यहाँ पे आटा के मारले बिस्किट। देख लो मारी बिस्किट आजकल आटा के आने वाले हैं, वो भी लेस कैलोरीज के साथ। चलिए ट्राई करते हैं, हमें अपनी चाय खुद बनानी पड़ेगी, क्रीमर शुगर वगैरह सब कुछ है। एक्सपेक्टेड है कि रेवाड़ी के बाद ट्रेन 1:30 चलेगी, अभी बस गुड़गांव आ रहा है। तो दिल्ली के अंदर आपको दो ही हॉल्ट मिलते हैं, एक है दिल्ली कैंट एंड गुड़गांव, बाकी रेवाड़ी में आपसे मुलाकात करते हैं उसके बाद देखते हैं 1:30 चलती है कि नहीं, क्योंकि 1.5 महीने हुए लगभग रूट को अपग्रेड हुए हुए, तो कुछ ही ट्रेन को भी 1:30 मिला, जिसमें से शताब्दी भी है जो 1:30 की रफ्तार में अब केपेबल है रेवाड़ी से जयपुर तक के लिए। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो पैंटोग्राफ की हाइट कितनी ऊपर है, क्योंकि OHE केबल्स की हाइट आप देखो एक बार। इस रूट पे डबल स्टैक्स कंटेनर बहुत चलते हैं, जिसके कारण जो वायर है ना ऊपर जिससे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अपना चलता है उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। सेम रीज़न के कारण पैंटोग्राफ को काफ़ी ऊँचाई तक लेकर जाया जाता है, सेम चीज़ आपको वंदे भारत के पैंटोग्राफ में भी देखने को मिलेगी इस रूट में। यहाँ पहुँच के रेवाड़ी जंक्शन पे हम थे अभी स्टीम एरा की बात कर रहे थे, जब ये रूट जो पूरा दिल्ली से जयपुर, जयपुर से अहमदाबाद, दिल्ली उदयपुर पूरा मीटर गेज का हुआ करता था, तब यहाँ पे स्टीम लोकोमोटिव चलते थे और रेवाड़ी तब से एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता है। आज भी यहाँ से रोहतक के लिए, भटिंडा के लिए आपको रूट मिल जाएंगे, साथ साथ आप यहाँ से रतनगढ़ चुरू की ओर बढ़ सकते हो, आगे सीधा आप मेड़ता रोड होते हुए बीकानेर की ओर बढ़ सकते हो। हम लोग आज जयपुर की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पर अलवर बांदीकुई सब हम लोग जाएंगे। ये जो एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन बन जाता है, खाने पीने की सुविधाएं भी आपको स्टेशन में बहुत बढ़िया मिल जाएंगी, मतलब पकौड़े वगैरह मिलेंगे और रेवड़ी यहाँ की काफ़ी फेमस है। 2 मिनट का हॉल्ट टाइम होने वाला है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर ट्रेन यहाँ पर नहीं रुकती है। हो गया देखो डिपार्चर सिग्नल भी, कम्प्लीटली डीजल ट्रेन का हुआ करता था और अभी यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आने लगा है। इस तरफ आपको दिखाऊँ ना तो अभी भी आपको रेवाड़ी जंक्शन बहुत बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। मीटर गेज के टाइम से ही बहुत इंपॉर्टेंस रही है इसकी और साथ में हमारी ट्रेन का जो पैंटोग्राफ है वो देखो अभी थोड़ा नीचे आया है, जैसे स्टेशन के बाहर निकलेगी वापस से वो हाइट पकड़ लेगा। गाड़ी में स्टीम लोकोमोटिव्स का शेड भी इंडियन रेलवेज ने बनाया, जहाँ पे स्टीम लोकोमोटिव्स को प्रिजर्व करके रखा गया, जिसे आप विजिट भी कर सकते हो। साहिब सुल्तान और सिंध, ये सभी लोकोमोटिव्स के बारे में आप लोगों ने सुना या पढ़ा होगा, जो कि आज़ादी के पहले से चल रहे थे, वो लोकोमोटिव भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। अगर आपको अन्य रूट्स में जाना है, हरियाणा के या सादुलपुर, चुरू, रतनगढ़, बीकानेर, इन सभी जगहों के लिए जाना है, तो रेवाड़ी से आपको इन सभी रूट्स के लिए ट्रेन मिल जाएगी। रिंगस लोहारू के लिए भी यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन है, जो कि आगे जा करके रिंगस वाला लाइन फुलेरा जंक्शन में मर्ज होती है और आगे अजमेर, तो दिल्ली से अजमेर के लिए जो जनशताब्दी चलती है वो यहाँ से सीधा रिंगस वाला लाइन लेती है। मतलब बहुत सारे रूट्स हैं, मैं मेन चीज़ें बता रहा हूँ ताकि अगर आप गर्मियों की छुट्टी में ट्रैवल कर रहे हो, कभी ट्रैवल कर रहे हो, टिकट कन्फर्म नहीं है, आपको टुकड़े टुकड़े में पहुँचना है, तो चीज़ आपके काम आ सके। 2 मिनट का हॉल्ट टाइम, तो ट्रेन निकल चुकी है यहाँ से। सामने की ओर जो लाइन जो अलग हो रही है ना, यही लोहारू, रतनगढ़, चुरू, बाकी जो अन्य हिस्से हैं ना उनके लिए निकल जाता है, और भटिंडा और रोहतक के लिए जो रूट है वो पीछे से अलग होता है। मतलब खैर ये वाली लाइन तो भटिंडा जाती है, पर रोहतक के लिए आपको पीछे से लाइन मिल जाएगी, वो पहले ही अलग हो जाती है रेवाड़ी अराइवल के टाइम पर।
तो सही थी ट्रेन, 1:30 की रफ्तार में चल रही है, रेवाड़ी निकलते ही 1:30 ट्रेन ने छू लिया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि एक्चुअली में ये चीज़ हो गई होगी, बट बढ़िया लगा थी। ब्रेकफास्ट आ चुका है तो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे कटलेट है, बाकी जूस, बटर, ब्रेड और यहाँ पे सॉस भी आपको मिल जाता है। तो ये आप चेयर कार में कुछ यही मेन्यू देखने को मिलेगा। स्वाद तो अच्छा है कटलेट का, बस हाँ क्रंची नहीं क्योंकि ट्रेन में से गर्म किया गया, बाकी जो आइटम है वो तो पैक्ड आइटम है, उसका क्या ही रिव्यू करें। तो ये सही है, 10 मिनट रेटिंग तो उसे आप दे ही सकते हो। बाकी देखते हैं जयपुर तक कोई अगर सर्विस हो तो आपको दिखाते हैं, वरना 1:30 की रफ्तार इंजॉय। रावली के पहाड़ यहाँ पे शुरू होते हैं अलवर के पहले ही, और गर्मी जो है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, पर राजस्थान की वाइब्स ही अलग होती है। से आ रहा है इसलिए अलवर जंक्शन, क्योंकि मथुरा से रूट आकर यहाँ पर मर्ज होता है, और अभी हम लोग कुछ ही समय में अलवर जंक्शन पहुँचने वाले हैं। थ्री टू का टाइम था, 5 मिनट के डिले के साथ हम लोग अलवर जंक्शन पहुंच गए। जंक्शन क्यों वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया,
यहाँ का जो मिल्क केक है ना वो बहुत टेस्टी होता है। मैंने बहुत बार बहुत वीडियोस में आपको टेस्ट करके दिखाया है, आ रहे हो तो यहाँ पे ले सकते हो, रिकमेंडेड है वो चीज़। साथ साथ कचौड़ी भी अच्छी मिल जाती है, अगर किसी और ट्रेन से आ रहे हो तो ई कैटरिंग की सहायता ले सकते हो। अलवर बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, यहाँ पर आपको लेक वगैरह मिल जाएंगे, रिजॉर्ट स्टे मिल जाएंगे। एक बहुत ही फेमस गवर्नमेंट का है, राजस्थान गवर्नमेंट का एक टूरिज्म का एक स्टे है जो जैसलमेर लेक के शायद पास में, वहाँ मैं बहुत दिन से प्लान कर रहा हूँ पर कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाया। हमेशा सोचता हूँ ठंड में आऊँगा, पर जो लोग अलवर से हो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा वहाँ आने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से इच्छा है घूमने की। अगला स्टॉप अपना बांदीपुर होने वाला है, वंदे भारत में थोड़े से मैं क्रॉसिंग हो गई, हो पाया ले पाया तो ज़रूर आपको दिखाऊँगा। बाकी पीछे अपनी शताब्दी एक्सप्रेस खड़ी हुई है, यहाँ बढ़िया शताब्दी है, नॉन स्टॉप भाग रही है तब से, 130 की रफ्तार मिल चुकी है। कैसी लग रही है आपको कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। इंडियन रेलवे दिन पर दिन डेवलपमेंट कर रहा है, अलवर की साफ सफाई से मस्त इम्प्रेस हुआ मैं, बहुत अच्छा लगा देख करके। शताब्दी जो है ना अपनी बिल्कुल लॉन्ग टाइम एकदम मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, तुरंत एक्सेलरेशन हुआ यहाँ। देखिए अलवर से निकली नहीं है कि रफ्तार पकड़ ली ट्रेन में, बल्कि मेरा आगे का कोच है, पीछे वाले कोचों को जो अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिलेगी यहाँ पे, फुल एक्सेलरेशन यार, गाड़ी बढ़िया है, मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी है ट्रेन। और 10-10 मिनट में भैया साफ़ सफाई देख रहे हैं, 10-10 मिनट में एकदम साफ़ सफाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लगा इसका साफ़ सफाई देख। अलवर से निकलते ही वापस 130 की रफ्तार, आगरा तरफ से आ रही है और अभी हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो भरतपुर जंक्शन पे हो रहा है। काफ़ी बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, पहले मैंने आपको कर्व दिखाया फिर सोचा रूट दिखा दूँ, तब तक काफ़ी कुछ निकल चुका था। भरतपुर अजनेरा होते हुए यहाँ से आप जा सकते हो आगरा के। बांदीपुर जंक्शन पे अपना 9:19 से 9:21 का टाइम था, पर ट्रेन हमारी यहाँ पे 5 मिनट पहले यानी 9:15 पे पहुंच चुकी है। जंक्शन क्यों वो तो मैंने आपको दिखाया ही, यहाँ से भरतपुर अजनेरा जंक्शन होते हुए सीधा लाइन गई हुई है, उससे आप मथुरा और आगरा दोनों ही रूट में जा सकते हो। बता दूं कि राजस्थान की जो सबसे पहली ट्रेन चली थी 1874 में वो बांदीपुर जंक्शन से आगरा फोर्ट के बीच में चली थी, यही जो रूट मैं आपको दिखा रहा था ना वही एक इम्पॉर्टेंट रूट है जो उसको स्पेशल बनाता है। और इंडियन रेलवेज़ की ओल्डेस्ट रेलवे कॉलोनी भी यहीं पर है बांदीपुर में ही। अब जब सबसे पहली लाइन खुली थी तो ओल्डेस्ट कॉलोनी तो होनी चाहिए, स्वाभाविक है, स्टीम एरा से है यहाँ पे, मीटर गेज के रूट हुआ करता था, मीटर गेज के ट्रैक सब कुछ हुआ करता था। आज आप देख लो
यहाँ पे शताब्दी रुक रही है, अजमेर शताब्दी। खैर वंदे भारत को स्टॉप नहीं दिया गया, इतना इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है दिल्ली जयपुर लाइन का, स्टॉप तो बनता था, खैर उसको नहीं दिया गया स्टॉप। चलते हैं गाड़ी के अंदर, थोड़े समय में डिपार्चर होना है। क्योंकि जंक्शन से भी हम लोग निकल चुके हैं, सामने पेट्रोलियम टैंकर साहब देख लो, उसके बगल में कुकिंग चल रही है, समोसों की पकौड़ी की, यार क्या बताऊँ मैं, इंडिया में सब पॉसिबल है। नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग चल रही है, जब से गाड़ी रेवाड़ी से खुली है ना, मैं केवल खाना खाने के लिए सीट पर बैठा था, अभी तक नॉन स्टॉप बाहर था, और अलवर से बांदी की तो सीट पर भी नहीं गया हूँ, ये हाल चल रहा है। वंदे भारत का पहले वेट कर रहा था, फिर बांदी की आने का समय आ चुका था, बीच में पहाड़ के नज़ारे अच्छे थे, रफ्तार अच्छी थी, सब इन्जॉय कर रहा था। अब बांदी की के बाद अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि लगभग 90 किलोमीटर बचा है जयपुर यहाँ से, थोड़ा रेस्ट तो बनता है। अभी 9:40 हो रहे हैं और दौसा स्किप करते करते बता दूं गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब ये जो रॉड है ना ये भी पूरी गर्म हो रखी है एक तरफ से। दौसा से गंगापुर सिटी वाली जो लाइन है इसे भी ओपन कर दिया है, कंप्लीट डीजल रूट है, इसमें भी ट्रैवल करेंगे तो मजा बहुत आएगा। अहमदाबाद तक पूरा 130 हो चुकी है, मतलब रेवाड़ी से अहमदाबाद आप कह सकते हो, और हमारी शताब्दी अजमेर तक 130 जाने वाली है। आप लोगों को याद होगा अहमदाबाद राजधानी में हम लोगों ने ट्रैवल किया था फरवरी महीने में, तब मैंने आपको दिखाया था राजधानी 130 चल रही थी, अभी दिल्ली जयपुर रूट को भी मिल चुका है 130, तो अब अजमेर तक शताब्दी जो है पूरा 130 जाने वाली है। और अभी 121 की रफ्तार तो दौसा स्किप करते करते पकड़ लिए, 126 भी हो गई, मतलब समझ लीजिए 130 तो ट्रेन ने पकड़ ही लिया है। साफ सफाई बहुत अच्छी गाड़ी की, इस चीज़ की मैं तारीफ करूँगा, और इंटीरियर भी अच्छे हैं, खाना पीना भी ठीक ठाक था, तो उस हिसाब से टोटली वर्थ इट गाड़ी है इस रूट को। आज ही ट्रेन को 130 दिया गया है, ये भी खास बात है, दोनों तरफ आपको ऐसी फेंसिंग देखने को मिलेगी ताकि पशु वगैरह ट्रैक में ना आए और एक्सीडेंट से ट्रेनों को बचाया जा सके। ये देखिए दूसरी तरफ भी फेंसिंग यहाँ पे की गई है ताकि जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे ट्रेनों को बचाया जा सके। गाड़ी बहुत तेज भाग रही है, अंदर ही रहेंगे। अगर जयपुर 10:20 यानी 10:20 पे पहुंच चुकी है, यहाँ भी ट्रेन का हॉल्ट है, मैंने दिखाया नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम जयपुर सिटी के अंदर हैं, तो सीधा आपसे जयपुर जंक्शन में मुलाकात करते हैं। गर्मी अच्छी खासी यहाँ पे हो चुकी है,
जयपुर में एंट्री एकदम देखो 10:45 ही दी थी, 10:45 का टाइम था तो 10:45 ही इसको एंट्री दी गई है। यहाँ पे आ गई थी बिफोर, पर आउटर पे खड़े रखा गया। पंक्चुअलिटी टेस्ट की बात करें तो यार ट्रेन एकदम खरा उतरी है, उसमें डॉट ऑन टाइम आ गई है। खाना पीना बढ़िया था, साफ सफाई तो बहुत ही अच्छी थी, स्पीड बहुत सही थी, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा था। इसके बाद ट्रेन का हॉल्ट होने वाला किशनगढ़, जहाँ पे 12:07 पे पहुँचेगी, फिर 12:55 यानी 12:50 पर पहुँच जाएगी अजमेर। बाकी अगर आप लोग जयपुर आ रहे हो घूमने वगैरह के लिए तो आपको बता दूँ यहाँ पे होटल श्रीनाथ बहुत अच्छा है, स्टेशन जस्ट बगल में ही है। अगर आपको बजट में रुकना है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एक्चुअली, वहाँ पर मैं रुक चुका हूँ पहले जब मैं जयपुर घूमने आया था, तो वो रिकमेंड करूँगा। लगभग 1200-1500 में आपको अच्छे रूम मिल जाएंगे 2 से 3 लोगों के लिए, वो भी एसी। तो कभी अगर आ रहे हो तो ट्राई ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा होटल का, और साथ साथ यहाँ पर मैं नाम वगैरह कॉन्टैक्ट नंबर लगा देता हूँ, बुकिंग के लिए आप वहाँ से बुक कर सकते हो। एक राउंड जयपुर घूम के मतलब खाने पीने का सामान पैक करवा के वापस आ गया हूँ, क्योंकि 12 बजे अपनी मर्दर एक्सप्रेस है जिससे मैं मेड़ता रोड ले निकल रहा हूँ, और साथ में ज्वाइन कर चुकी है पूजा। हाय। और हम लोग एक स्पेशल ट्रेन करने वाले हैं, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच में चलती है, सिर्फ 3 डिब्बों की ट्रेन है, मैंने आज तक नहीं देखी है। पहले वहाँ पे रेल बस चलती थी, पर अब हमने सोचा कि आप 3 डिब्बे की ट्रेन चली उसे कर ले, कहीं लंबी ना हो जाए वो। अच्छा। और स्ट्रेच उसका 15 किलोमीटर का रहने वाला है, तो अभी मर्दर एक्सप्रेस से निकलेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अगर आप लोग भी ऐसी न्यू जर्नी एक्सप्रेस देखना चाहते हो तो पूजा के चैनल में भी जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पहुँच के आप तरह तरह के एक्सपीरियंस ले सकते हो। ये ट्राइबल्स के साथ भी, राजस्थान के रूरल एरियाज में भी जाके इन्होंने एक्सपीरियंस किया है ना, ठंड में जैसलमेर वगैरह, जैसलमेर, पाकिस्तान बॉर्डर विलेजेस, ट्राइबल्स, सब कुछ, आदिवासी, ये खुद राजस्थान से ही है, इस वजह से वो प्रॉफिट हमें मिल जाता है। कल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी नई जर्नी के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मेरे साथ ऑल इंडिया ट्रैवल करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।